थर्टी uh, फाइव तक के क्वेश्चंस मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था फिर अपलोड भी कर दिया था लेकिन जब मैंने उसको यूट्यूब पे चेक करा तो उसमें वॉइस नहीं थी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि मेरी गैलरी के अंदर जब मैं इसको सेव कर रही हूँ तब वहाँ पर तो वॉइस है लेकिन uh, इसको पोस्ट करते वक्त वॉइस पता नहीं कहाँ चली जाती है तो मुझे वापस से पोस्ट करना पड़ेगा और इसलिए मुझे वापस से बनाना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो स्टार्ट करते थर्टी फाइव से विच विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज़ आर करेक्ट कौन से करेक्ट हैं देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये एक अप्रैल 2015 और यहाँ पे जी के बारे में बात करी गई जनरल एंटी अबॉर्ड इंस्टूट तो मैं बोल सकती हूँ करंट का क्वेश्चन है और 2014 का क्वेश्चन है तो हम इसको स्किप कर दें इसका आंसर वैसे तो सेकंड है लेकिन इसको स्किप करते हैं एट द रेट ये वाला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे ठीक है ये सब क्या चीज़ें जो होती है चलो पहले देख ही लेते हैं देखो ये मैंने टिक कर रखा था ना तो मैंने उसको बता रखा है कि ये क्या आंसर है वापस से करना पड़ रहा है चलो द मेजर क्लीवेज इन द ग्लोबल ह्यूमन राइट डिस्कोर्स हैज बीन अब देखो ये चीज़ें समझ लो कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस क्या होता है इन सब के अंदर और ये क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ देखो सिविल और पॉलिटिकल राइट क्या होते हैं इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स क्या होते हैं और जब है न हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेजर जो डिफरेंस ग्लोबल राइट्स में डिस्कोर्स में मतलब मेजर किसके बारे में क्लीवेज किसके चीज़ के अंदर आता है तो वो सबसे पहली बात करते हैं देखो सिविल और पॉलिटिकल राइट मतलब होते हैं हमारी जो सिविल सोसाइटी होती है पॉलिटिकल यानी सबके पास जो राइट right हो फ्रीडम ऑफ फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम ऑफ फॉर्म द गवर्नमेंट गॉर्मेंट बनाने का अधिकार सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्राइवेट इंडिविजुअल खड़े होने के का अधिकार हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ कैसी होनी चाहिए वो सिविल और पॉलिटिकल पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आता है लेकिन वहीं पर जब हम इकनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स की बात करते हैं तो इकनॉमिक सोशल इकनॉमिक यानी पैसे से रिलेटेड हमारी इनकम से रिलेटेड कल्चरल हमारी सभ्यता से रिलेटेड सोशल हमारी जो सोसाइटी है उससे रिलेटेड तो ठीक है दे आर द सोशल इकोनॉमिक ह्यूमन राइट सच एज द राइट टू एजुकेशन राइट टू हाउसिंग राइट टू एडूट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइट टू हेल्थ विक्टम राइट एंड द राइट टू साइंस एंड कल्चर ये चीज होती है अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स है उसने कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं कराया सिविल इकोनॉमिक और इन राइट्स के अंदर लेकिन कोल्ड वॉर जब हुआ था तब टेंशन हुई थी ईस्ट और वेस्ट ईस्ट और वेस्ट के अंदर जब कोल्ड वॉर की टेंशन शुरू हुई थी तब थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आया था यहाँ पे क्या हो गया जो इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स होते हैं उनके अंदर हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है लेकिन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में सिंपली रिक्वायर द स्टेट टू रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल फ्रीडम देखो सोशल इकोनॉमिक और पोलिटिकल राइट्स जो होते हैं उसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ऑब्वियसली बात है आपको कल्चरल को प्रिजर्व अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है आपकी इकनॉमी को आपको बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा लेकिन वहीं पर सिविल और पॉलिटिकल राइट के लिए सिर्फ स्टेट को थोड़ी सी फ्रीडम देनी होती है रिफ्रेन करना होता है कि वो अपने आप को इन लोगों के अंदर इंडल्ज ना करें। तो इसलिए यहां पर सिविल पॉलिटिकल वर्सेस इकोनॉमिक सोशल राइट आंसर आएगा ठीक है थीके? नेक्स्ट वाला देखो द राइट एट विच ये छोड़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इज नॉट ट्रू फॉर द थियोसिफिकल सोसाइटी ऑफ द मैडम अब थियोसिफिकल सोसाइटी के बारे में बात करी गई है कि इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है तो देखो इट वॉज फाउंडेड आउटसाइड इंडिया ये चीज़ सही है इट एडवोकेट द रिवाइवल ऑफ एंशंट रिलीजन ये भी सही है इट रिकोगोगनाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइम्स माइग्रेशन ऑफ सोल ये थियोसिफिकल सोसाइटी की फिर मैडम uh, एचपी बल्स की नहीं कर रही थी लेकिन इसके एनी बेसेंट बाद में इसकी जो वो बन गई थी चेयरमैन बन गई थी एक तरह से इट वॉज साइलेंट ऑन द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ये चीज गलत है ठीक है हमसे नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा डी इन्होंने बात कही थी इस बारे में फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक ये भी करंट का क्वेश्चन है थर्टी एट का तो इसको छोड़ देते हैं तो इसका वैसे तो आंसर है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है द इशू वेदर द इशू वेदर अ कमिटी मेड बाय द मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैज़ बिन फुलफिल्ड और नॉट इज डिसाइडेड बाय कौन डिसाइड करेगा कि जो इशू uh, मतलब uh, जो कमिटी फॉर्म करी गई है मिनिस्टर द्वारा वो पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही तो इसका आंसर होगा कमेटी ऑन पब्लिक अश्योरेंस आंसर हो जाएगा इसका थर्टी नाइन का सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट इनमें से कौन सा है जो रेगुलेटिंग एक्ट का प्रोविजन नहीं है सेवनटीन सेवनटी थ्री के अंदर आया था सबसे पहला जो एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट ही आया था लक्ष्मीकांत का सबसे पहला पन्ना ही एक्ट्स uh, पे रहे मतलब सबसे पहला चैप्टर ही एक्ट्स पे दे रखा है तो यहाँ पर देखो इट चेंज द पावर इसका आंसर मेरे को वैसे तो पता है देखो फिर भी मैं बता देती हूँ इट इंट्रोड्यूस अ पार्लियामेंट्री सुपरविजन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है ये बात सही है क्योंकि पार्लियामेंट्री एक तरह से कंट्रोल में आ गया था वो गवर्नमेंट के में इनडायरेक्ट वे में द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वॉज वेस्टेड इन अ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ फोर मेंबर ये भी सही है इट चेंजड द पावर ऑफ वोट इन द कोर्ट ऑफ प्रोपेरेटर बाय रिमूविंग ऑल द रिस्ट्रिक्शन ये गलत है रिस्ट्रिक्शन तो उन्होंने कभी भी नहीं हटाई थी द गवर्नर जनरल वॉज वेस्टेड विद कास्टिंग ठीक है उसके पास पावर होगा गवर्नर जनरल है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी क्योंकि हमसे क्या पूछा है इन्होंने कि कौन सा नॉट है प्रोविजन है अब देखो रिसेंटली ईरान हैज क्लिन डील विद रिसेंटली ईरान यानी ये करंट का क्वेश्चन है तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 2023 में चल रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है ये रिलेवेंट है अभी सॉल्व करना इसको बस आगे जब क्वेश्चंस करोगे ना तो इसको देख लेना कैसे करना है ये थर्टी सिक्स में पहले ही करवा चुकी हूँ आप लोगों को अब इसके बाद आगे देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन थे है ना अब देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मनी बिल मनी बिल के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है मनी बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये हमेशा नॉर्मली पूछ लिया जाता है देखो इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट सही है हमेशा पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस तो होता है इट एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट द डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फाइनल ये चीज सही है फाइनल किसका डिसीजन होता है मनी बिल को डिसाइड करने में स्पीकर में इन केस ऑफ डेडलॉक ओवर अ मनी बिल द प्रेसिडेंट कैन समेना देखो नॉट करेक्ट जो मनी बिल होता है ना और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है आर्टिकल 368 के अंदर और ये फाइनेंस बिल के अंदर जाता है आर्टिकल 110 के अंदर तो यहाँ पर क्या होता है कि जॉइंट सेटिंग इन दोनों में कभी भी अलाउड नहीं होती तो याद रखना मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जब भी हो रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर और मनी बिल के अंदर जॉइंट सेटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है तो कैन समान अ जॉइंट सेटिंग ये गलत है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ये चीज चाहिए उनकी

मतलब थोड़ा सा वेंट अगर एक कमेटी बन जाएगी तो उसके थ्रू काम तो रहेगा और हम देखते रहेंगे उस चीज़ को एक तरह से आ, आ, पाप काटने वाली बात हो गई वहाँ पर कि ऐसा कह रहा था द थ्योरी दैट द थ्योरी दैट आर्ग्यूड दैट कांग्रेस वॉज फॉर्मड एज अ सेफ आउटलेट ऑफ द डिसकंटेंट ये चीज़ सही है क्योंकि सेफ्टी वेलवे थ्योरी जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 के द्वारा के अंदर एच ओ ह्यूम द्वारा तो उसका सबसे बड़ा पर्पस ही ये था कि जो एजुकेटेड लोग हैं जो बंगाल के अंदर बेसिकली वहाँ से एजुकेशन वगैरह शुरू हुई अंग्रेज़ों के उसके अंदर आकर तो वहाँ पर यही सबसे बड़ा था कि ये जो एजुकेटेड लोग हैं इन्हें जो हमारे हम जो इनको एक्सप्लॉइट वगैरह करें या फिर जो भी इनके कंसर्नस हैं उनको एक तरह से एक आउटलेट मिल जाएगा इसके थ्रू वो बनाते रहेंगे और वो पहले फर्स्ट फेज में क्या हो रहा था कांग्रेस के कि वो लेटर्स लिख लिख के देते जा रहे थे और अंग्रेज अपनी उनकी बिल्कुल नहीं सुन रहे थे एज पर द लेटेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट इन द बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यू टी ओ इंडिया हैज़ इंडिया एंड अदर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कैन लॉन्च फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम तो लेटेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट इन बाली लेटेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट फिर वापस से करंट का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ सकते हैं टिल लेकिन इसका आंसर है टिल द अल्टरनेटिव मैकेनिज्म इज़ डेवलप्ड ठीक है ये देखो सेफ्टी वेल्व थ्योरी मैंने ये चीज़ लगा भी रखा है सेफ्टी फाउंडर कौन था एओ ह्यूम था मैंने अभी आपको बताया था कांग्रेस का कब हुआ था आई इंटरनेशनल कांग्रेस यहाँ पे द थ्योरी सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश फियरिंग अनदर रिबेलियन सिमिलर टू द म्यूटिनिटी ऑफ एटीन सेवेंटी एटीन फिफ्टी सेवन अट्ठारह सौ सतावन की क्रांति जैसी की कोई वापस से म्यूटिनिटी ना हो जाए इसलिए उनको डर था तो इसलिए उन्होंने इसका क्या करा था एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा था जिससे पीपल अपनी वॉइस रख रख सकें किसके लिए पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस के लिए तो ये चीज़ हो गई अब देखो ये वाला भी हो गया हमारा ये भी हो गया अब हम कौन सा कर रहे थे क्वेश्चन फोर्टी फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेसिडरी पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट रेस्यूडेरी पावर के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है हमसे ये चीज़ पूछी गई है देखो रेस्डेरी पावर हैव बीन गिवन टू द यूनियन पार्लियामेंट ये चीज़ सही है फिर इन द मैटर ऑफ रेसिडरी पावर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया रेस्डेरी पावर ये चीज़ गलत है शेड्यूल सेवंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाँ लिस्ट ऑफ रेसिडरी पावर रेसिडरी पावर देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ ये गलत है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रेसुडेरी पावर की बात नहीं करी है उन्होंने सब्जेक्ट्स की बात करी है जो तीन में है और उन्होंने रेसुडरी बचावा उसके अंदर बोल दिया कि वो सेंटर के पास रहेगा कौन कौन से पावर हैं वो डिसाइड नहीं करें स्टेट लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है यहाँ पर रेसूडेरी पावर जो होगा वह हमेशा सेंटर के पास रहेगा लेकिन उन्होंने ये नहीं डिफाइन करा तो उस भी गलत है रेसुडेरी पावर को डिफाइन नहीं करा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी प्लेस रेसुडेरी पावर इन देंड ऑफ ये गवर्नर जनरल ये सही है और इसको हमने कॉपी करके लिया था तो आंसर क्या हो जाएगा इसका वन और फोर यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव का हमारे पास आंसर क्या है वन और फोर नेक्स्ट देखो द डेकन रॉयट कमीशन वॉज कंसर्न विद जो डेकन के राइट्स हुए थे वो किससे कमीशन है या जितने भी राइट्स वगैरह हुए थे ना नॉर्मली वो जितने भी हुए थे कर्ज के कारण ही हुए थे किसान किसानों को इतना एक्सप्लाइटेशन करा था अंग्रेजों ने तो उसका आंसर होगा इन डेटनेस ऑफ द इन डेपनेस ऑफ द प्रिजेंट कर्ज के कारण हुआ था ठीक है अब यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे करते हैं विजय सह है, दारी इज़ एन करेक्ट इनके बारे में क्या चीज़ करेक्ट है अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा ही इज़ एन इंडियन बॉर्न यू एस पोइट ये सही है इन्होंने पुलिसजर प्राइज जीता है 2014 में थ्री सेक्शन के लिए ये भी सही है ही इज़ अ फर्स्ट इंडियन ओ टू ये तो गलत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ओ तो नहीं है तो इसका 47 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी फर्स्ट और सेकंड इज़ करेक्ट अब ये चीज़ हो गई हमारी ये देखते हैं सॉरी विच वन ऑफ द फोलॉइंग इज नॉ अ करेक्टिस्टिक कौन सी करेक्टिस्टिक नहीं है ग्लोबलाइजेशन की तो फेजिलिटी ऑफ द नेशनल बैरियर फॉर द फ्लो ऑफ द कैपिटल एंड गुड्स फ्रेजिलिटी तो सही है ना नेशनल बैरियर्स फ्रेजिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज़ का घटना एकदम तो नेशनल गुड बैरियर जो है वो कम हो चुके हैं ताकि फ्लो हो सके कैपिटल्स और गुड्स का रैपिड फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन कैपिटल एंड गुड्स ये भी सही है रैपिड फ्लो जल्दी जल्दी फ्लो हो सके इफॉर्मेशन का कैपिटल का एंड गुड्स का नेटवर्किंग ऑफ द कल्चर इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन ये भी सही है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ये चीज़ गलत है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन की कहीं बात नहीं होती नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स होते हैं सर्विसेज होती हैं इन्फॉर्मेशन होती है उनकी ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात नहीं होती ठीक है ग्लोबलाइजेशन में तो ये गलत हो जाएगा विलियम हेनरी विलियम जेम्स हेनरी कोलब्रुक एंड नेथरलिन हेलहेल्ड हैड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन अमंग देम इनके बीच में क्या चीज कॉमन है हमसे ये पूछा गया है तो दे आर द क्रिटिक्स इसका आंसर है दे आर द लिंग्विस्टिक हु ट्राई टू इंटरप्रेट द कल्चर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ये वो थे जिन्होंने साउथ एशिया का जो कल्चर था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को इंट्रोड्यूस करा था डेटा प्रेजेंट इन इंटर्म बजट फॉर द यह वापस से बजट का क्वेश्चन है तो छोड़ देती हूँ मैं इसको इसका आंसर भी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज करेक्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है हमसे यह पूछी गई है अभी हूँ यहाँ पे देड ऑफ द गवर्मेंट इज ऑलसो हैड ऑफ द स्टेट ये चीज़ सही है द हेड द एग्जीक्यूटिव कैन बी टू लेजिस्लेटिव एक्ट ये चीज़ सही है दोनों ही सही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिफ्टी वन का सी क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है यानी जो देखो नॉमिनल हेड ही है लेकिन जो प्रेसिडेंट है अपना वो है हेड है और वो उस वही हेड ऑफ द स्टेट भी कहलाता है ना तो क्योंकि गवर्नर्स वगैरह उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं फिर उन जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट है वैसे स्टेट में गवर्नर है एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव काम करने वाला है वो उसके काम पे लेजिस्लेटिव यानी अगर पार्लियामेंट चाहे तो कानून किसी पर रोक लगा सकती है या फिर कोई नया कानून भी बना सकती है द परमानेंट सेटलमेंट वॉज रियली एक्सटेंडेड टू अदर रीजन बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है पता नहीं कितनी बार इन्होंने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्राइस आफ्टर टू एटीन टेन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द हारवेस्ट हारवेस्ट वाइल द परमानें सेटलमेंट डिस अलाउ एन इंक्रीज इन द स्टेट शेयर ये चीज़ सही है परमानेंट सेटलमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही था कि उन्होंने दस साल के लिए जो अगर आपकी खेती ज़्यादा भी हो रही है तभी वो आपको उतना ही देना है और कम भी हो रही है तब भी उतना देना है तो उन्होंने फिक्स कर दिया था द इकनॉमिक थ्योरीज ऑफ द रिकार्डो इन्फ्लूंस ऑफ पॉलिसी मेर्स ये भी सही है द स्टेट फाउंडेड एक्सपीडेंट टू सेटल डायरेक्टली विद द राइट ये भी सही है और यह चीज़ ऑल ऑफ द अबाव तो आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि अगर मैं कह सकती हूं तो मेरा फिफ्टी टू का आंसर क्या है यहाँ पे डी हुम द फॉलोइंग इज सर्विंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इज स्टेट फॉर द फोर्थ कंजिक्यूटिव टर्म फोर्थ कंजीक्यूटिव टर्म के लिए कौन जो चीफ मिनिस्टर है उस टाइम पर पूछा गया था तो इसका आंसर है मानिक सरकार ऑफ त्रिपुरा ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंस्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इट इज अ फॉर्म ऑफ द लिमिटेड गवर्नमेंट हमसे ये पूछा गया है कि लिमिटेड गवर्नमेंट का फॉर्म होता है वेयर कंस्टीट्यूशन इज बेज ऑन द पब्लिक अथॉरिटी ये भी सही है वन वेयर मुनार्क इज अ फॉर्मल हेड मुनार्क आपने यहाँ पे किंग और क्वीन है क्या नहीं वन देयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल एडल्ट फल चाहिए ऑलवेज ज़रूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म के अंदर ठीक है ज़रूरी नहीं है ऑलवेज है यहाँ पर ऑलवेज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ वगैरह होंगी जिसमें ऐसा जरूरी नहीं होता तो वन और टू हो जाएगा इसका ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे द रूलिंग डायनेस्टी संगम तुलवा और सुलवा और तुलवा वॉज एसोसिएटेड विद विजयनगर एम्पायर की तीनों डायनेस्टीज़ हैं ये सबको पता है फिर तो यहाँ पे पूछा है इंडिया हैज़ मेड अ पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर इंडियन वीजा एप्लीकेंट फ्रॉम यार ये तो वापस से करंट का क्वेश्चन है छोड़ दो इसका आंसर वैसे पाकिस्तान है ये देखो ये यह मैंने यहाँ पे यह लगा रखा है 1783 में एक पर्सन था विलियम जोम्स नाम का कैलकटा में आया था वो जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट हुआ था वो लिंग्विस्टिक था उसने स्टडी करी थी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट लॉ फिलोसफी रिलीजियस पॉलिटिक्स मोरालिटी अर्थमैटिक्स मेडिसिन एंड अदर साइंस ठीक है फिर उसके बाद हमसे बोला गया इंग्लिश मैन लाइक हैनरी थॉमस कॉलब्रुक और ने ये आर बिजी डिस्कवरिंग द एनशियट इंडियन हेरिटेज मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज संस्कृत पर्शियन इंटू इंग्लिश ये चीज़ हो गई अब देखो ये तीनों डायनेस्टीज़ हो गई यहाँ पे देखो विजयनगर में ये तो इसकी कैपिटल दे रखी है कन्नड़ कन्नड़ू संस्कृत और ये मुनाकी चलती थी तो ये तो सबको पता है विजयनगर एम्पायर यहाँ पे था और यहाँ पे हम्पी बहुत फेमस है यहाँ पे ठीक है विठल स्वामी टेम्पल भी है वहाँ पे बहुत सारी हम्पी घूमने लायक जगह है मैं नहीं कही अभी तक वैसे इच्छा है मेरी जाने की द एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ़ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे के बारे में पूछा गया है चेयरमैन एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द नेशनल क्या कौन होते हैं चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फ़ॉर माइनॉरिटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसका आंसर है फिफ्टी सेवन का ए ये तीनों होते हैं ठीक है uh, पॉलिटी के क्वेश्चन तो वैसे भी डायरेक्टली होते हैं जल्दी से हो जाते हैं बिटवीन द फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन वैन इंडिया बिकेम द फ्री एंड ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी वैन शी डलेयड हर सेल फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोवरन रिपब्लिक द गवर्मेंट ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ गोवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नाइनटीन थर्टी फाइव यार ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है ठीक है लेकिन अभी जो टू टाउजेंड ट्वेंटी थ्री का पेपर आया था वो इतना ईजी नहीं आया था द जनवरी टू थाउजेंड फोर्टीन रेफरेंडम हेल्ड इन इजिप्टन यार ये फिर करंट का क्वेश्चन है छोड़ सकते हैं इसको ठीक है छोड़ दो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द इंडिजुअल डिमांड फॉर द कम्युडिटी कम्युटिटी की जो डिमांड है उसको इफेक्ट कौन कौन करेगा प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इनकम ऑफ द कंज्यूमर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड ये तीनों सही है देखो मेरी बात समझो इस चीज़ को इस चीज़ को, को इकोनॉमिक्स है ना अपन है ना इकोनॉमिक्स को करने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है आप उसको डेली लाइफ में क्योंकि पैसे की बात हो रही है और डेली लाइफ में इंप्लाय करोगे ना तो आंसर निकल के आएगा देखो इंडिविजुअल की डिमांड है किसी भी चीज़ की डिमांड है सपोज मैं आईफोन की बात करती हूँ आईफोन के बारे में बात कर रहे हैं अगर आईफोन खरीदने वाले जितने भी लोग हैं तो यहाँ पे देखो प्राइस ऑफ द कम्युनिटी आईफोन की कितनी प्राइस है सब लोग अफोर्ड जो वेजेस पे काम करता है दिहाड़ी मजदूर काम करता है वो आईफोन अफोर्ड कर सकता है क्या मेरा फ़ोन टूट गया आईफोन लेकिन मैं अभी अफोर्ड कर सकती हूँ क्या तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर प्राइस कितना है उस कमोडिटी का ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेस में मुकेश अम्बानी है अब मुकेश अम्बानी है सपोज़ अम्बानी या फिर कोई भी ए बी सी पर्सन ले लो ए सी ए सी नहीं मैं आपको मैं आपको किससे समझाऊँ चलो ओ, कोई बहुत बिजनेसमैन है कोई नॉर्मल वेजेस वर्कर वाला है कोई बिजनेसमैन है कोई वेज वेज अर्नर है और कोई बिजनेसमैन है जिसका डायमंड्स का बिज़नेस है अब इस वाले के लिए आईफोन की प्राइस वैल्यू मैटर नहीं करेगी लेकिन जो वेज अर्नर है उसके लिए तो मैटर करेगी करेगी ना तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि कितना प्राइस है क्योंकि सारे बिजनेसमैन और डायमंड वर्कर्स नहीं है अपने डायमंड्स के बिजनेसमैन नहीं है पूरी इंडिया के अंदर बहुत सारी सारी कम्युनिटी के लोग बिलोंग करते हैं यहाँ पे सैलरी मैन हैं यहाँ पे बिजनेस मैन हैं या जो शेयर्स में होते हैं डेली वेजेस अर्नर हैं बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे तो बहुत सारी जॉब्स भी हैं कुछ फैक्ट्री वर्कर्स हैं कुछ मैनुअल वर्कर्स हैं कुछ मशीनरी पे काम करते हैं तो यहाँ पे प्राइस ऑफ द कम्युनिटी हमेशा डिमांड को वो करती है जितनी ज़्यादा डिमांड होगी अगर जितना ज़्यादा प्राइस है उसका तो डिमांड उसकी उतनी कम होगी मतलब लेकिन उसकी वैल्यू होनी चाहिए वैल्यू मतलब आपकी क्वांटिटी भी होनी चाहिए उस हिसाब से इनकम ऑफ द कंज्यूमर अब बेजे जाने जो दिन के सपोज हज़ार रुपये कमाता है और ये यहाँ पे एक करोड़ रुपए कमाता है दिन के तो अब इन दोनों की जो इनकम है कंज्यूमर की वो डिपेंड करेगी करेगी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड अब इस आईफोन की जगह मुझे एक फ़ोन और मिल रहा है किसी का वन प्लस मिल रहा है या फिर मुझे नोकिया का फ़ोन मिल रहा है बहुत अच्छी में या फिर मुझे सैमसंग मिल रहा है तो मैं क्या करूँगी अब इसी प्राइस में सारे फीचर्स इसमें मिल रहे हैं जबकि वो फोल्डेड फ़ोन भी मिल रहा है तो मैं तो सैमसंग ले लूँगी तो वही चीज़ होती है कि ये सारी चीजें जो होंगी वो इंडिविजुअल की डिमांड को करेंगी ऑन द न्यू ईयर डे ऑफ द टू न्यूजीलैंड बैट्समैन कोरी एंडरसन यार ये तो फिर वापस से करंट का क्वेश्चन है तो छोड़ सकते हैं इसको सिक्सटी वन का आंसर सी uh, है मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू को हमें मैच करना है और यहां पर अब ये चीज हमें देखनी है कि कौन किसके साथ है मैच कर लेते हैं फटाफट देखो ये एक्टिविस्ट ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है मुझे तो हार्ड लगा क्योंकि मैंने ये कभी भी नहीं पढ़ा हुआ है अरुणा रॉय है ना मजदूर किसान शक्ति संगठन से रिलेटेड है उस टाइम ये अगर करंट में रहा होगा तो ये बात मुझे नहीं पता क्योंकि टू की बात है ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये अखिल गोगोई कृषक मुक्ति संग्राम समिति से हैं प्रतिभा शिंदे प्रतिभा शिंदे जो हैं वो लोक संघर्ष से हैं और ये कल्पना था ये प्रेम पानी पंचायत से रिलेटेड है ठीक है तो इसके हिसाब से अब आप देख लेना कि कौन सा कौ, किससे रिलेटेड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटर्न बाय भारत रत्न प्रोफेसर सी एन राव कौन सी उनके द्वारा रिटर्न नहीं करी गई है इसका आंसर है विंग्स ऑफ फायर जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है ये भी अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमें ये नहीं पता हमें ये नहीं पता लेकिन हमें ये पता है कि विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है ठीक है अब देखो ये मैंने आपको लगा दिया यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर ये ए पी जी अब्दुल कलाम की किसके साथ लिखी गई है अरुण तिवारी के साथ लिखी गई है एक और बात ध्यान रखना एक बार शायद मुझे याद है कहीं किसी मैं ये नहीं बोल रही सी ए या यूपीएससी में शायद किसी एसएससी या किसी बैंक के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था कि किसके साथ लिखी है तो अरुण तिवारी याद रखना फिर यहाँ पे देखो आ, सी एन राव सी एन राव के बारे में ये दे रखा है कि ये इतने टाइम पे बॉन्ड और रिसेंटली शायद इनकी डेथ भी हो गई मुझे जहाँ तक श्योर है मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन शायद इनकी अभी रिसेंटली डेथ भी हुई है ठीक है फिर यहाँ पे देखो क्लाइंबिंग द लिमिटलेस लैडर अ लाइफ इन केमिस्ट्री सी एन राव के द्वारा लिखी गई है सुपर कंडक्टिविटी टूडे सी एन राव और टी एन टी वी रामाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है नैनो क्रिस्टल किसके द्वारा लिखी गई है सी एन राव पी जी थॉमस और जी यू कुलकर्णी तो ये भी सी एन राव के तो सारी सी एन राव के द्वारा है लेकिन ये जो विंग्स ऑफ फायर है ये किसके द्वारा है ये किसकी बुक है ए पी जी अब्दुल कलाम की तो यहीं पर इस चीज़ को ख़त्म करते हैं फिर थर्ड वीडियो में आगे मिलेंगे